आजादी, ये शब्द बनता तो सिर्फ तीन अक्षरों से है, मगर इसकी असली कीमत शायद हम पूरी जिंदगी नहीं लगा पाते। कईयों ने हमारे आजाद कल के लिए हंसते हंसते अपने आज को कुर्बान कर दिया। हमारी आजादी जिन वीरों और वीरांगनाओं की बदौलत है, उनमें से कुछ को तो हम बेशक नाम से जानते हैं। उनकी जन्मतिथि और उनकी बलिदान तिथि दोनों को ही बड़े गर्व से मनाते हैं, मगर ऐसे ही अनेकों बलिदानी है जो इतिहास के पन्नों में ऐसे ही चुपचाप कहीं गुम हो गए। हमारे लिए ये बड़े ही दुख और शर्म की बात है कि हम आज उनमें से कईयों के नाम तक नहीं जानते। ऐसा ही एक नाम है तारा रानी श्रीवास्तव जी का। तारा रानी श्रीवास्तव आज़ादी की एक ऐसी महिला फ्रीडम फाइटर थी जिसने अंग्रेजों से भारत को आज़ाद करवाने में अहम भूमिका निभाई। एक ऐसी महिला जिसने अपना सब कुछ खो दिया मगर आज़ादी के सपने को नहीं खोने दिया। तारा रानी जी का जन्म बिहार के सारण जिले में हुआ और बड़ी ही कम उम्र में उनका विवाह फुलेंदु बाबू से हो गया। फुलेंदु बाबू गांधी जी के पद चिन्ह पर चलने वाले एक बहादुर स्वतंत्र सेनानी थे। आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने का प्रोत्साहन तारा रानी जी को उनके पति फुलेंदु बाबू से ही मिला था। उस दौर में विवाहिता महिलाओं पर बहुत सी पाबंदियां थी। समाज का एक बड़ा हिस्सा महिलाओं को सिर्फ चार दीवारी में कैद रखना चाहता था, मगर फुलेंदु बाबू की सोच उनसे कुछ अलग थी। इसीलिए तारा रानी जी पर वो सब पाबंदियां लागू नहीं हुई जो और महिलाओं पर थी। तारा रानी जी ने न सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया बल्कि आसपास के गांव की और महिलाओं को भी इस मुहिम के लिए तैयार किया। 8 अगस्त 1942 के दिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी की इस पुकार को तारा रानी जी और फुलेंदु बाबू ने जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की और कई लोगों को इस आंदोलन में शामिल भी करवाया। भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त फुलेंदु बाबू तरह तरह के विरोध प्रदर्शन और जुलूस का आयोजन कर रहे थे। ऐसे ही 12 अगस्त 1942 को फुलेंदु बाबू ने सारण पुलिस थाने तक एक बड़ा जुलूस निकाला। इरादा था कि थाने पहुंचकर छत से ब्रिटिश झंडे को उतार कर तिरंगे को फहराया जाए, मगर अंग्रेज सरकार के लिए एक बड़ी भारी चुनौती थी। इसीलिए उन्होंने आंदोलनकारियों पर हैवानियत दिखाने का फैसला किया। पहले उन्होंने आंदोलनकारियों पर पुलिस से लाठीचार्ज करवाया, मगर जुलूस का जज्बा रत्ती पर भी कम नहीं हुआ। ये देख अंग्रेज तिल मिला उठे और उन्होंने उन निहत्थे लोगों पर कई राउंड गोलियां चलवा दी। जुलूस में सबसे आगे फुलेंदु बाबू और तारा रानी जी चल रहे थे, इसीलिए गोली फुलेंदु बाबू और कुछ आंदोलनकारियों को लगी जिससे वो वहीं गिर पड़े। किसी भी स्त्री के लिए ये जीवन के सबसे बड़े दुखों में से एक था, मगर पति को अपने आंखों के सामने घायल पड़े देखकर भी तारा रानी जी विचलित नहीं हुई और बगैर तिरंगा छोड़े तारा रानी जी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और फुलेंदु बाबू की पट्टी की। थोड़ी ही दूर एक सुरक्षित जगह पहुंचा कर तारा रानी जी ने प्रदर्शन को जारी रखा। तारा रानी जी अंदर से एकदम ही टूट चुकी थी, मगर उन्हें पता था कि इतनी दूर आकर अगर वो पीछे हट जाएगी तो उनसे जुड़े सभी लोगों की उम्मीद हमेशा के लिए टूट जाएगी। इसीलिए सारण थाने पहुंच उन्होंने तिरंगे को फहराने की कोशिश की, जिनमें वो कामयाब भी हुई। वापस से जब तारा रानी जी अपने जख्मी पति के पास दौड़कर आई तो फुलेंदु बाबू शहीद हो चुके थे और एक वीरांगना अपना सारा जीवन खो चुकी थी। 15 अगस्त 1942 की सुबह फुलेंदु बाबू की याद में छपरा में एक प्रार्थना सभा रखी गई, मगर साहस की बात यह है कि पति के देहांत के बाद भी तारा रानी जी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी रही। 15 अगस्त 1947 तक तारा रानी जी देश की आज़ादी के लिए जी जान से लड़ती रही। ये कहानी बेशक एक पत्नी के बलिदान की है, मगर उससे भी ज्यादा ये कहानी हर उस इंसान की है जिसने इस मुल्क और इस मुल्क की मिट्टी की कीमत अपने प्राण और अपने धर्म से कहीं ज्यादा लगाई। आज हम इस आज़ाद जिंदगी को जीने में इतने खो चुके हैं कि हमने उन कई कहानियों को ही भुला दिया जिसने हमारी आज़ाद जिंदगी के बदले अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। ये थी कहानी उस इंडियन फ्रीडम फाइटर तारा रानी श्रीवास्तव जी की, जिसने अपने देश की आज़ादी को अपने पति की जिंदगी से भी आगे रखा। शायद अब मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि हम अपनी आज़ादी की कीमत समझेंगे और कुछ भी ना कर पाए तो बस उन लोगों का अपमान नहीं करेंगे जिसने अपनी जिंदगी के बदले हमारी आज़ादी चुनी। Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we got history, yeah.